जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। 17, 18, 19 और 20 अक्टूबर के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम तुला राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप इस राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वो ही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, पहले आज का विचार जान लेते हैं। एक संत ने एक दीवार पर बड़ा सा पोस्टर लगाया, सफ़ेद कलर का पोस्टर लगाया और मार्कर से उस पेपर पर, उस पोस्टर पर एक काला डॉट लगा दिया, यानी एक काली बिंदी बना दी। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले, काला डॉट दिख रहा है, यानी काली बिंदी दिख रही है। तब संत बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफ़ेद पेपर नज़र नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नज़र आ गया। यही हाल आज हम सभी का भी है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी ज़िंदगी की अच्छाई नज़र नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नज़र आ जाती है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। चलिए तुला राशि वालों के 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक में चंद्रमा आपके 17 अक्टूबर को कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो इस समय पर आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन संतान से किसी बहस में ना पड़ें, किसी वाद विवाद में ना पड़ें और प्रेमी प्रेमिका से भी आप वाद विवाद में ना पड़ें, गलत फहमियाँ ना करें तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर 17 तारीख को अच्छे परिणाम देने वाला है। चंद्रमा 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, आपके तुला राशि वालों के छठे भाव में रहेंगे। ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो छठे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, अच्छे परिणाम होते हैं। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है, अगर गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आराम मिलेगी और अगर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें रोग से मुक्ति मिल जाएगी, यानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप साहसी रहेंगे, पराक्रम से भरपूर रहेंगे, धन मान सम्मान मिलेगा। और ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो शत्रु इस समय आप पर हावी बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दो दिन अच्छे रहेंगे। 18 और 19 तारीख आपको लोन मिल सकता है, अप्लाई कर सकते हैं इस समय पर। तो इस तरह के परिणाम रहेंगे और थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और विदेश से कारोबार है तो उसमें लाभ मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। आलस से बचना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ के बाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, या बड़ों की राय लेकर करें, या विशेषज्ञों की राय लेकर करें, या आप अच्छे से जानते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। 20 तारीख को भी चंद्रमा 2:02 तक मीन राशि में रहेंगे, तो 18, 19 और 20 तारीख को 2:02 तक लगभग इसी तरह के परिणाम आपके रहेंगे। फिर मेष राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो इस समय पर भी गोचर अच्छा रहेगा। तो ये चारों दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं लगभग, क्योंकि इस समय पर आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा। अगर विदेश यात्रा करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा, अगर विदेश में कारोबार कर रहे हैं तो उससे लाभ मिलेगा, विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो उससे लाभ मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी कहीं जॉब कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे, व्यापारी पार्टनर साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ आपको इस समय पर मिलेगा। तो इस तरह के गोचर रहेंगे, सुख महसूस होगा घर परिवार में, और जीवन साथी अगर आपका कोई कारोबार करता है तो उससे भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह के लाभ रहेंगे, मान सम्मान मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर इस तरह के परिणाम रहने वाले हैं। हालांकि इस दौरान आप थोड़ा बेचैन रह सकते हैं, तो आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते दिखाई देंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता की वृद्धि भी हो सकती है। और इस समय पर आपके पास धन तो होगा, परंतु किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए जो
खरीदारी जितनी आप करना चाहते हैं उतना नहीं होगा, उतना पर्याप्त धन नहीं होगा, जिससे आप थोड़ा सा तनाव में रह सकते हैं, जिसके चलते संभव है कि आप किसी से लोन लेने की कोशिश भी करें या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करने की कोशिश करें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपना बजट देख कर करें। और कोई भी ऋण या कर्ज लेने से पहले प्लान अवश्य करें और सलाह लेकर करें अपने बड़ों की, ऐसे नहीं करें। और हालांकि संभव हो सके तो अभी खरीदारी से बचें, कर्ज लेने से बचें तो अच्छा है, क्योंकि इस समय पर ऐसा समय नहीं है, तो खरीदारी को बाद के लिए टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है रिश्तेदारों के यहाँ पर या घर पर, भाग दौड़ भरा जीवन रहेगा इन चार दिनों में आपको, और इस दौरान आप अपने परिवार को समय देने में सफल होंगे, थोड़ा बहुत समय आपको मिलेगा परिवार को दे पाएंगे। और दूसरे भाव में शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु की दृष्टि भी है, तो वाणी पर संयम रखना होगा और परिवार में वाद विवाद से बचना होगा। ऐसे में परिवार को ये महसूस ना होने दें कि आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं, इसके लिए उनके साथ थोड़ा समय अच्छा वक्त बिताएं, उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। करियर के मामले में इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपको भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, आपके चौथे भाव में शनि और गुरु का गोचर है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव से शनि और गुरु का गोचर है, जो उससे उनकी दृष्टि जो है दसम भाव पर रहेगी, संयुक्त दृष्टि रहेगी दसम भाव पर, तो उससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और आप अगर नौकरी करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, व्यापार कारोबार करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17 से 20 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, आप जॉब करते हैं फिर भी और व्यापार करते हैं फिर भी आपको सफलताएं मिलेंगी। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। और इस समय इन चार दिनों में, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, इसलिए पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करें तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, वरना भाग दौड़ बहुत रहेगी आपकी। इस दौरान सही निर्णय लेने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो निर्णय या तो नहीं लें इन चार दिनों में या टाल दें, या फिर निर्णय लेने से पहले उसको पूरा विचार विमर्श कर या बड़ों की राय लेकर ही करें, नहीं तो फिर इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार को सफ़ेद गाय की सेवा कर सकते हैं, सफ़ेद कलर की मिठाई का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों का 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।